हाई वेलकम टू एजुकेशन वे सक्सेस मेड ईजी एनिमल किंगडम पार्ट सेवन सो लास्ट की वीडियो में हमने जो हमारा टीनोफोरा थे और सिरन ट्राटर्स थे उन फाइलम्स के बारे में कवर किया था नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अबाउट फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस सो so, जो प्लेटी uh, हेलमेंथिस हैं इनको हम स्पेशली किस नाम से बुलाते हैं दे आर नोन एज फ्लैट वॉर्म्स इन्हें हम फ्लैट मतलब होता है फ्लैट और हेलमेंथस का मतलब है वाम्स तो इन्हें हम बोलते हैं फ्लैट वाम्स इसीलिए इनको बोलते हैं सो so ये आप हमेशा याद रखिएगा कि डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है डॉर्सी का मतलब होता है अपर वेंट्रल का मतलब होता है जो उनका डाउन वाला तो वो अगर आप ऊपर से और नीचे से देखेंगे तो वो दोनों ही साइड से बिल्कुल ऐसे लगते हैं फ्लैट फॉर एग्जाम्पल कभी आप लीफ उठाना लीफ का कभी आप कोई एक ऐसी लीव देखेंगे कि वो पीछे से आप देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो कौन सी साइड अप अप है और कौन सी साइड डाउन तो ऐसी जो लीव्स होती हैं जो बिल्कुल फ्लैट इन होती हैं ना वीन्स का पता होता है जो कि पर्टिकुलरली बताती नहीं है कि वो कौन सी बैक है कौन सी फ्रंट है ठीक है तो उन्हें हम बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल फ्लैट बॉडी तो ये जो प्लेटी हेलमेंट्रीज हैं इनके भी डॉर्सी वेंट्रल जो डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट बॉडी होती है इसीलिए हम इनको फ्लैटफॉर्म्स कहते हैं ठीक है ये देखो अगर आप इसको पीछे से देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा नाउ दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये जो होते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं मतलब अगर आप कहीं से भी अगर आप इसको सिर्फ दो हिस्सों में बांट सकते हो वो आपकी मर्ज़ी की कहीं से भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं ट्रिप्लो का मतलब है कि इनके अंदर मीजोडम प्रेजेंट होता है एक्टोडम मीजोडम एंडोडम ये तीनों ही प्रेजेंट हैं इसीलिए हमने इसको बोला है ट्रिप्लो एंड ए सीलोमीट होते हैं मतलब कि इनके अंदर सीलोम जो कैबिटी होती है वो क्या होती है एबसेंट होती है सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ए सिलोमीट हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक हैं बायोलेचुरल सिमिट्रिकल हैं ना ये इनके पर्टिकुलर फ़ीचर्स थे मैंने आपको एक लाइन में दिए हैं ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए ठीक है क्योंकि अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे वो सारे ही टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन के थे तो आपको अगर आप इन्हें सीरीज़ में पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था बिल्कुल सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाले स्पॉन्जिज़ उनके बाद जितने भी हमने पढ़े चाहे वो हमारे स्पॉन्जिज़ के बाद हमारे नाइडेरिया थे टीनोफोर्स थे वो सारे के सारे क्या थे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी हेलमेंथीज एसकिज जितनी भी हम पढ़ेंगे वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो हम इसे सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं अगर आप ऐसे ही लर्न करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा इनके पास होते हैं हुक्स एंड सकर्स ये क्या करते हैं हुक करते हैं किसी भी प्रे के ऊपर और फिर उसके अंदर से सक करते हैं किसी मस्किटो को अगर आपने देखा होगा तो वो भी क्या करते हैं अपने होस्ट के ऊपर जाके पहले हुक करते हैं जाके अपना जो स्टिंग होता है उसको हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं हुक किया फिर उसके अंदर से वो साफ करते हैं तो दे आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म की तरह वो भी एक तरीके के पैरासाइट्स हैं अगर हम नहीं मिले तो वो मर जाएंगे तो पैरासिटिक फॉर्म्स क्या होते हैं वो अपने होस्ट पे ही डिपेंड होते हैं अगर उन्हें होस्ट नहीं मिलता तो वो आगे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे सो सम ऑफ देम एब्जॉर्व न्यूट्रियस फ्रॉम दी होस्ट और डायरेक्टली थ्रू देअर बॉडी सर्फेस अपने बॉडी सर्फेस से ही डायरेक्टली अपने जितने भी न्यूट्रियस होते हैं उनसे ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं ये जो जितने भी ये जो हमारे प्लेटी हेलमिनथीज हैं ये आपको लर्न करना है कि ये पहले ऑर्गे एनिमल्स थे जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम अभी तक देखा गया है ठीक है एंड ये जो है इनके अंदर एक स्पेशल फीचर जो है ये क्या है कि अगर यहाँ पे आपको देखने को मिले सो यहाँ से ही हमारा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का जो ये कहना चाहते हैं वो कंप्लीट होगा कि इनके पास जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो इनकम्प्लीट होती है सो अगर आप इसको पॉइंट लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि इनके पास इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है मतलब कि इनके पास पूरा कोई डाइजेशन सिस्टम जो होता है ना वो प्रॉपर नहीं होता ठीक है तो इनको एक्सक्रीशन के लिए मतलब अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसे अगर बाहर निकालना है और ऑसमो रेगुलेशन के लिए इनके पास एक अलग ही सेल होता है जो इनका काम करता है वो है हमारे पास जिसे हम कहते हैं फ्लेम सेल्स तो इनकी बॉडी में एक फ्लेम सेल होता है जिसकी वजह से वो अपना वेस्ट मटीरियल बाहर निकाल पाते हैं क्योंकि अगर प्रॉपर हमारे पास एलिमेंट्री केनाल होता है तो आपने देखा होगा हमारी गट होती है फिर वो पूरी जो लाइन होती है वो पूरी एक्सक्रीटा से हमारी जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो निकाल देती है वो होती है हमारी प्रॉपर हमारी एलिमेंट्री कैनाल हमारा पूरा प्रॉपर डाइजेशन का सिस्टम होता है एक ठीक है बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है सो so, इनके पास एबसेंट होता है नाउ सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं हर्मा हमेशा याद रखना ये टर्म हारमा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इन्हीं बॉडी के ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है एंड डेवलपमेंट जो है वो मैनी लार्वल स्टेजेस में हो सकती है जैसे कि मैंने आपको बटरफ्लाई वाला एग्जांपल दिया था कि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट है इंटरनल है लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है जो सम्बर्स हैं ये हाई रीजनरेशन कैपेसिटी रखते हैं जैसे कि प्लेनेरिया तो कभी आप प्लेरिया को देखना अगर आप उसे कहीं से भी कट करोगे ना वो वहीं से ही रीज रीजनरेट हो जाता है और पूरी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये प्लेनेरिया है मैंने इसे यहाँ से भी काटा यहाँ से भी काटा तो इसका ये वाला हिस्सा जो है वो पूरी बॉडी में बन जाएगा इसका ये जो बीच वाला हिस्सा जो है अगर मैं इसको निकालूँ ये खुद भी ऊपर का और नीचे का बना लेगा और इसका जो फेस है मान लीजिए मैंने यहाँ पे फेस बनाया तो ये पूरी बॉडी बना लेगा तो अलग ही एक हाई रीजनरेशन कैपेसिटी रखने वाला ये प्लेटी हेलमेंथिस के अंदर एक प्लेनेरिया होता है जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा जब हम पढ़ते हैं ये सब चीज़ें कि कैसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है एक तरीके से ये ठीक है नाउ फाइलम एस्केलमेंथिस अब ये जो एस्किल मंथीज हैं इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनके पास जो फीचर्स हैं वो पिछले वाले में एबसेंट थे और इनके पास कुछ एक नए फीचर्स हैं वो क्या हैं पहली बात तो एस्किल मंथीस को क्या बोलते हैं हम इनको हम बोलते हैं थ्रेड वॉर्म्स तो याद रखिएगा कि एस्किल का मतलब होता है यहाँ पे सॉरी एस्किल का मतलब नहीं इसको हम क्या बोलते हैं एक और तरीके से इसका एक और नाम है वो है नीमा थैलमेंथीस थैलमेंथीस तो जो नीमा वर्ड है ये जो नीमा है एन ई एम ए इट मीन्स थ्रेड सो देट इज़ वाई वी कॉल इट थ्रेड वाम ऑल्सो ठीक है बिकॉज़ यहाँ पे हेलमेंट्स मीन्स वाम्स एंड नीमा मीन्स थ्रेड बिकॉज एसकेलमिंतीज इज ऑल्सो नोन एज नीमा थेलमिंथीज वेयर नीमा मीन्स थ्रेड एंड हेलमिंथ मीन वाम सो हम इन्हें थ्रेड वाम्स भी बोलते हैं सो द बॉडी ऑफ द एस्कल मेंथीज़ इज एज इन क्रॉस सेक्शन हैज द नेम राउंड वॉर्म्स वाई दे आर नोन एज राउंड वाम्स बिकॉज जब आप इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो दे विल कम आउट एज सर्क्युलर क्रॉस सेक्शंस दैट इज वाई दे आर नोन एज राउंड वॉर्म्स नाउ एलिमेंट्री केनाल जो होती है वो इनकी कम्प्लीट होती है पहले वाले में कम्प्लीट नहीं थी इसलिए उनकी जगह पर एक फ्लेम थे ठीक है इनके पास पूरा मेस्कुलर फेरिनेक्स पूरा वेल well डेवलप्ड इनके पास सब कुछ होता है राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे हैव ऑर्गन्स पर्टिकुलर ऑर्गन्स इंक्लूडेड एलिमेंट्री के नाल कम्प्लीट वेल डेवलप्ड मेस्कुलर फेरिनक्स तो पूरे ऑर्गन्स हैं इनके पास दे हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स देट्स वाई दे हैव organ system level of body organization. दे आर बायोलैच्रल सिमिट्रिकल दे आर ट्रिप्लो एंड स्यूडोसिलोमिट एनिमल्स होते हैं ठीक है एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर इनके पास एक एक्सक्रीटा पोर होता है इनकी बॉडी में यहाँ पे जहाँ से सारा एक्सक्रीटा निकल जाता है डायोशियस होते हैं मतलब कि जो फीमेल्स मतलब डायशियस का मतलब मेल अलग है और फीमेल अलग होता है जैसे वहाँ पे हमारे जो मोनिशियस का मतलब होता है एक ही ऑर्गैनिजम के अंदर मेल फीमेल दोनों डायशियस मतलब मेल अलग फ़ीमेल अलग सो यहाँ पे फीमेल्स आपको कैसे पता लगेंगी दे आर मच लार्जर दैन द मेल्स अगर आप इन्हें कंपेयर करें तो सो देअर फर्टिलाइजेशन इज़ इंटर्नल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे केसेज में डिफरेंट पाए गए थे इसलिए उन्होंने दोनों चीज़ें डाल दी एग्जाम्पल्स इज़ एस केरस जैसे कि राउंड वॉम्स और वचेरिया जिसे हम बोलते हैं फिलैरिया वाम सो थैंक यू सो मच हमारी एजुकेशन वे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें क्योंकि सभी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं यू कैन फॉलोअर्स देयर और जितने भी क्वेश्चन आप हमें वहाँ पूछ सकते हैं जिससे भी वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं एजुकेशन वेव डॉट इन पर प्लीज़ विज़िट करें आपको सब मिल जाएगा थैंक यू सो मच प्लीज़ सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा जिसने भी ये वीडियो देखी है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपका कुछ नहीं जाएगा बट हमारी हेल्प हो जाएगी सो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा थैंक यू सो मच लाइक ज़रूर कीजिएगा